डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत करीब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने देखा है। 72 घंटे हो जाएंगे, पहले तो 15 दिन हुए मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री की शपथ में। ये भी बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि आमतौर पर मोदी जी कोई इस तरह की परंपरा नहीं मानते हैं कि खरमास चल रहा है या शुभ मुहूर्त। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने उन दिनों में कर दिए, जिन दिनों में हिंदू पद्धति में होते नहीं है। तो ये माना जाता है कि वो लीक तोड़ते हैं, और योगी जी भी उसमें हैं। लोग कहते थे नोएडा चले जाओगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, योगी जी कई बार नोएडा गए। तो ये तो कहना बेकार था कि खरमास था और ऐसा कुछ भी था जिसकी वजह से शपथ नहीं हो पा रही थी। 15 दिन लग गए मुख्यमंत्री के शपथ में, उसके बाद 72 घंटे लग गए। पूरी बीजेपी में खलबली मची हुई है कि किसको क्या विभाग मिलेगा। चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देखिए संजय जी, मैं तो यही सब सुनने के लिए आपके यहाँ आता था कि आप बताएंगे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अब तक आप बताते रहे हैं तो इस पे मेरी कोई बहुत नहीं जानकारी है अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि दूर बैठ करके जो समझ पाए, जो कयास लगा पाए। जैसे पूरे चुनाव हम जो दूर बैठ करके देख रहे थे, उसमें हमें ये दिख रहा था कि बीजेपी हार रही है, लोग उनसे बहुत नाराज हैं और चुनाव परिणाम बिल्कुल अलग आ गए। तो कई बार दूर से देखने में बहुत सारी चीजें नहीं भी देख पाती हैं, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं हम, कई बार गलत होते हैं, कई बार ठीक होते हैं। तो वैसे ही कोई कोशिश करते हैं हम लोग समझने की, बहुत ऑथेंटिक तो नहीं, लेकिन हाँ कयासबाजी तो होगी। जैसे मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस समय पूरे देश में कहीं भी कोई भी राजनीतिक निर्णय किसी किस्म के पूंजीपतियों के बिना लिया जा रहा हो, ऐसा असंभव है। आर्थिक आधार पर सारे पूंजीपति बहुत कुछ तय कर रहे हैं भाई, इसमें क्या। अच्छा एक चीज और है कि मतलब पूंजीपति क्यों न तय करें, चुनाव इस समय, पिछला लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, 24 का लोकसभा चुनाव उससे भी महंगा होने वाला निसंदेह। इतना पैसा जो चुनाव में लगता है वो कहां से आता है? अगर कोई पैसा इतना लगा रहा है, एक क्राउड फंडिंग अलग चीज है, पार्टी के डोनर हैं वो अलग चीज है, लेकिन कुछ तो ऐसा अमाउंट है जो बाहर से बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। वो जो पैसा लगा रहा है वो पैसा बनाता भी है, तो एक तो ये बात है, बिना इसके कोई निर्णय नहीं होने वाला। अच्छा अब एक और बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगे कि ये लोग कर रहे हैं, और उसके बचाव में हम पिछली सरकारों का उदाहरण दें, तो फिर पार्टी विद डिफरेंस कहाँ गया? ये तो पार्टी ये दावा करती थी कि इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, ये पार्टी ये दावा करती थी कि हम लोग व्यक्ति नहीं विचार से जुड़े हुए हैं। एक जमाने में अटल जी प्रमुख थे, फिर अडवाणी जी आए, फिर मोदी जी आए, न चाहते हुए भी योगी जी पिछली बार प्रधान मुख्यमंत्री बने थे, वो चाहने तो किसी और का तय हो गया था, लेकिन बहुत कुछ अंदर अंदर चलता है। तो यह दावा कहाँ गया कि वो पार्टी विद डिफरेंट, वो कहाँ गया वो दावा कि जो कांग्रेस करती है वो हम नहीं करेंगे? कांग्रेस का के यहाँ ये होता था, बिल्कुल ठीक बात है कि पत्रकार भी उसमें शामिल हुए, वो सामने आया, नेताओं के ऊपर जो फोन गया वही नेता मंत्री बने, ये सामने आया, बिल्कुल सच है, कई क्षेत्रीय दलों के साथ ये हुआ, लेकिन पार्टी विद डिफरेंट को तो ये समझना चाहिए कि वो देश चला रहे हैं तो उन्हें तो नहीं मानना चाहिए। अब ये तर्क कमजोर तर्क इनके ऊपर नहीं लागू होगा, लेकिन विडंबना ये है कि वो हो रहा है, ऐसा कोई काम नहीं है नीतियों तक में। मैं कह रहा हूं, मैं शिक्षा का एक सवाल, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, मैं लखनऊ की राजनीति से फिलहाल दूर हूं, लेकिन हाँ कुछ एक बातें जो मुझे दिख रही है संजय जी वो मैं जोड़ रहा हूं। आर्थिक नीतियों में कोई एक नीति ऐसी बताइए जो कांग्रेस से अलग है, शिक्षा संबंधी नीतियां जो सैम पित्रोदा और ज्ञान आयोग के कमीशन ने नई शिक्षा नीति के लिए वो फाउंडेशन बनाया था उसी पर नई शिक्षा नीति काम कर रही है, विदेश नीति में कौन सी जगह पे अलग हैं आप? एक नीति में अलग है, वहां थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व था, यहाँ थोड़ा हार्ड हिंदुत्व है, वो बहुत सॉफ्ट ढंग से काम करते थे, यहाँ बहुत खुले और पे, ये आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो जो भी करते हैं वो बुलडोजर, कोई और पार्टी होती तो बुलडोजर पे बैकफुट पे हो जाती। समाजवादी पार्टी आज तक अपना अपनी छवि नहीं सुधार पा रही कि गुंडों की पार्टी है, लेकिन चाहे वो उनके आंकड़े हो, उनके सरकार के आंकड़े हो कि अपराध किनके काल में बढ़ा, या अभी भी मैं तो देख रहा हूं एक बड़ा दिलचस्प फोटो आया है कि अभी शायद नोएडा या गाजियाबाद की तरफ है कि पेट्रोल पंप वाले से 25 लाख की लूट हो रही है, और वहां एक बाबा जी कमर पे हाथ रख के बुजुर्ग आदमी खड़े होकर देख रहे हैं। यूपी वालों का आत्मविश्वास
बड़ा गजब का होता है, ये अपराध की फोटो आई, वीडियो आ रहे हैं, लेकिन सपा उबर नहीं पाई। अखिलेश यादव तो गए हैं, देखिए आज तो तस्वीरें आई हाथ हाथ मिलाने की। विपक्ष का जो धर्म है वो समाजवादी पार्टी भी नहीं निभा रही, बसपा तो खैर बहुत कमजोर स्थिति में है, लेकिन सपा के लोगों को भी राजनीति में तय करना होगा। सपा वाले कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं कि बीजेपी जनता नाराज होगी तब हमारे पास आएगी। बीजेपी नाराज क्यों होने देगी भाई, बीजेपी जब सत्ता में है तो। अब देखिए मंत्रियों के बंटवारे की बात है तो मुझे बहुत कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अंतिम टिप्पणी मेरी ये है कि बहुत व्यवस्थित रणनीति से वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग केंद्र और राज्य के बीच तालमेल भी बनाएंगे और बना रहे हैं। हाँ ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिनेश शर्मा बहुत व्यवस्थित चेहरे के रूप में नहीं थे, और मतलब वो जो उग्र चेहरा चेहरे जो परशुराम की कटार अखिलेश जी ने लिया था, वोट तो मिला बीजेपी को, जातिवादी पार्टी सपा है, लेकिन वो जो एग्रेशन चाहिए ना वो ब्रजेश पाठक में है। मैं एक चीज तो देख पा रहा हूँ, केशव मौर्य वो एग्रेशन नहीं है उनमें। हाँ उनको उनको सम्मान दिया गया है कि भाई चलो आप हारे तब भी हम आपको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन एक संतुलन दिखेगा जो 24 को भी केंद्र में रख करके पूरी रणनीति बनाएगा, ये मेरा आकलन है। वो संतुलन जातियों की हिस्सेदारी पर भी होगा, वो संतुलन तमाम तरह के आर्थिक संसाधनों से लेकर के राजनीति की पकड़ भी होगा। एक व्यवस्थित मंत्रिमंडल वो बनाएंगे, इसके लिए वो कमिटेड। आपके मुंह से मुझे, आप क्योंकि हिंदी के कवि, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ कहते हैं। नहीं बात तो सही है, लेकिन वक्त ऐसा है कि इसमें क्या ही कहा जाए। बात ये है कि जो पूरी बातचीत हो रही है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि किसको क्या विभाग दिया जाएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैंने भी अपनी पिछली टिप्पणी में ये बात कही थी कि संतुलन साधा जाएगा। एक ऐसी पार्टी जो चुनावों को बहुत गंभीरता से लेती है, इतनी गंभीरता से बाकी लोग नहीं होते, वो हारी हारा हुआ चुनाव भी जीतने के लिए लड़ते हैं और वो जीत के दिखाते हैं। इस लिहाज से दोनों तीनों किस्म के संतुलन बनाए जाएंगे पार्टी के भीतर। ऐसा नहीं है कि सारा नियंत्रण केंद्र का होगा, योगी जी का कुछ नहीं होगा, या सारा नियंत्रण इनका होगा और पिछली बार की तरह इनके फोन ऑफ हो जाएं और फिर भी कुछ ना हो, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए और उन सारे लोगों को तो अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी है। इस पूरे उठापटक में संतुलन साधने का पूरा निशाना यह होगा कि 24 के चुनाव के पहले कुछ एक अच्छे काम भी किए जाए, जिनको दिखाया जाए कि देखिए हम कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ अब सबका प्रयास भी जुड़ा है, तो वो भी करने वाले हैं। छवियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए मंत्रिमंडल का बंटवारा बेहद सलीके से किया जाएगा। कुछ लोगों का मुकेश सहनी वाला हाल भी किया जाएगा और यह भी संभव है, लेकिन हाँ बीजेपी अपनी पूरी रणनीति बनाएगी कि 24 को ध्यान में रख करके वो सारा काम करे। मेरी टिप्पणी तो